Friends, multiple choice questions on agricultural current affairs. Today's topic is multiple choice questions on agricultural current affairs. August part 2nd. It is very important for agricultural field officer. All questions belong to a data and related to which questions has been asked in the last year exams. So must watch who are preparing for agricultural field officer. And one more thing, if you want to take more benefits of such type of videos, test, then please go for the platinum package. You will get all the things up to the mains exam of agricultural field officer, IBPS SO, agricultural field officer. So take the advantage of it, okay? So please aap sab log advantage lijiye platinum test series ka, aur wahan pe aapko test bhi milegi, aur abhi filhal to 30 test hai usme, aur mostly matlab जैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं और टेस्ट में उसमें ऐड करते जाऊंगी, जैसे जैसे नए नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे नए नए क्वेश्चंस मैं बनाती हूँ वो मैं ऐड करूंगी. ओके, सो आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस? ओके, सो द क्वेश्चन इज एज पर फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2017-18 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 284.83 million tons, which is higher by dash than the previous record production of food grain of dash achieved during 2016-17. मतलब 2017-18 में food total food grain production 284.83 million tons हुआ, and as compared to 2016-17 में कितने से ज़्यादा हुआ, मतलब than the previous record production of food grain production achieved during 2016-17. So बताइए इसका आंसर क्या है. 2017-18 में तो 284.83 मिलियन टन हुआ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो अभी लास्ट ईयर कितना हुआ था वो पता होगा तो आपको पता चलेगा कि कितने से ज़्यादा हुआ. मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर ले लिया है, वो प्लैटिनम पैकेज में वो ऐड कर दिया है, जिन्होंने देखा होगा उसको ये आंसर आ जाएगा. बताइए, कम ऑन फास्ट. ओके, द आंसर इज 9.72 मिलियन टन से ज़्यादा हुआ, और टोटल लास्ट ईयर कितना था 2016-17 में 275.11 मिलियन टन. अभी देख लेते हैं इसका थ्योरी क्या है. देखिए, द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर 2017-18 हैव बीन रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन द 28 अगस्त 2018 इज एज अंडर. ओके, फोर्थ एस्टिमेट, टोटल चार एस्टिमेट होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, तो फिर ये फोर्थ एस्टिमेट जो कि लास्ट होता है तो उसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन दिया है टोटल कितना अभी 2017-18 का 284.83 मिलियन टन. आपको ये याद रखना है और लास्ट ईयर का भी याद रखना है. ओके, तो फिर कितने से ज़्यादा हुआ वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, एंड ये राइस का सबसे ज़्यादा होता है, हर साल राइस का ही ज़्यादा होता है, उसके बाद व्हीट का. तो फिर लास्ट ईयर IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में भी क्वेश्चन पूछा था किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, राइस का या व्हीट का, किसका होता है. तो सही ऑप्शन, दो क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे गए थे, तो फिर किसका वो राइट आंसर राइस था. ओके, तो फिर अभी आपको ये याद रखना है 284.83 मिलियन टन्स टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और राइस का भी आप याद रख लो साइड बाय साइड, मतलब आपको राइस का भी याद रहा तो अच्छा है, अच्छी बात है. ओके, फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपको ये कौन सी भी हालत में याद रखना है, और लास्ट ईयर का भी याद रखना है. अभी आपको कितने से ज़्यादा हुआ वो तो मैंने बोल दिया, तो फिर अभी आपको समझ में आया होगा कि लास्ट ईयर का कितना है, तो भी हम लोग देख लेते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
The production during 2017-18 is also higher by than the previous 5 years. 2012-13 to 2016-17 average production of food grain. मतलब कितना अभी 2017-18 का जो है तो वो कितने एवरेज एवरेज निकालना है पूरे 5 साल का. पूरे 5 साल का एवरेज निकालने के बाद वो कितना कितने से ज़्यादा है 2017-18 के हिसाब से 2017-18 का कितने से ज़्यादा है 5 ईयर्स के हिसाब से. समझ में आया? तो फिर कितने से ज़्यादा है आपको मालूम है. अभी लास्ट ईयर 5 ईयर आपको किसका याद है किसका एवरेज कितना है. लेकिन सिर्फ आप इतना ये वैल्यू आप याद रख लेना. मे बी ए देर मे बी ए क्वेश्चन. ओके सो आंसर इज 24.66 मिलियन टन्स. आपको एवरेज पूछा गया तो 24.66 मिलियन टन्स याद रखना है. और ये पूछा गया और कितने से ज़्यादा है लास्ट ईयर के हिसाब से तो 9.72 मिलियन टन्स. एंड लास्ट ईयर का कितना है 275.11 मिलियन टन्स. ओके और पूरा 5 ईयर का पूरा पूछे गया तो टू एवरेज 5 ईयर का क्वेश्चन प्लीज आप याद रखो. कौन सा मिक्स मत करो. ओके 5 ईयर का पिछले 5 सालों के 5 ईयर का एवरेज कितने से ज़्यादा है कितना ज़्यादा सॉरी 2017-18 कितने से कितना ज़्यादा है 5 ईयर्स के हिसाब से तो फिर कितना है 24.66 मिलियन टन्स. ओके देखिए अभी यहाँ पे पूरा ये दे दिया है मैंने. ऑयल सीड का भी प्रोडक्शन दे दिया है. कॉटन शुगर केन ये भी आप याद रख सकते हो. और मेनली आपको राइस का याद रखना है. मैं आपको मोस्टली मतलब जिस जो बातों पे मोस्टली ज़्यादा ध्यान देना है वो मैं आपको ऊपर पॉइंट हाईलाइट करूँगी और आपको मैं बोलूँगी कि ये आप याद रखो. ओके 5 ईयर का कितने से कितना ज़्यादा है वो आपको याद रखना है 24.66 मिलियन टन. एंड लास्ट ईयर के हिसाब से कितने से ज़्यादा है तो फिर वो भी आपको याद रखना है. ओके तो देखिए एज पर फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स फॉर 2017-18 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 284.83 मिलियन टन्स. देखिए अभी 2017-18 का फूड ग्रेन प्रोडक्शन हाँ फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये आपको याद रखना है. फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं तो आप बोलेंगे कि आप ये वैल्यू याद रख लेंगे लेकिन ये नहीं याद रखेंगे. इन शॉर्ट आपको याद रखना है फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2017-18 इक्वल्स टू 284.83 मिलियन टन्स. वो ज़्यादा हुआ बड़ा हुआ कितने से बढ़ा 9.72 मिलियन टन एज कंपेयर टू कौन से ईयर के हिसाब से 2016-17 लास्ट ईयर के हिसाब से. मतलब लास्ट ईयर में कितना हुआ था 275.11 मिलियन टन. ओके गॉट इट समझ में आ गया ना आपको. ओके और फिर अभी 5 ईयर का पिछले 5 सालों का एवरेज निकाला और 2017-18 का कंपैरिजन किया तो वो 2017-18 का ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है 24.66 मिलियन टन्स ज़्यादा है. बस ये आपको दो चीज़ें आप याद रखेंगे. बस इतना ही करना है बाकी कुछ भी नहीं करना है. ओके समझ में आ गया ना आपको. 2017-18 284.83 मिलियन टन्स विच इज हायर बाय 9.72 मिलियन टन्स एज कंपेयर टू 2016-17 फूड ग्रेन प्रोडक्शन 275.11 मिलियन टन्स. ओके एंड 2017-18 इज ऑल्सो हायर बाय 24.66 मिलियन टन्स दैन द प्रीवियस 5 ईयर्स 2012-13 टू 2016-17 एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ओके ये क्वेश्चन मोस्टली आने के चांसेस है क्योंकि अभी IBPS क्या है हर टाइम नया नया क्वेश्चन नया पैटर्न नया कुछ तो भी नया हटके कुछ तो भी नए क्वेश्चन लाता है. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप ज़्यादा मतलब ये याद ही रखना आप ये 24.66 मिलियन टन्स क्योंकि ये मोस्टली पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी. ओके अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ IBPS AFO पेपर्स. ओके तो प्लीज़ आप ये याद रखिए. नेक्स्ट इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस ड्यूरिंग 2017-18 इज 112.91 मिलियन टन्स इंक्रीज बाय 3.21 मिलियन टन्स दैन द प्रोडक्शन ऑफ वन
109.70 million tons, राइस का प्रोडक्शन 112.91 million ton, विच इज इंक्रीज बाय 3.21 million tons. अभी लास्ट ईयर का कितना था, 109.70 million tons. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ वीट ऑल्सो इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 1.19 million tons. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्री कोर सीरियल्स इज एस्टिमेटेड एट रिकॉर्ड 46.99 million tons, विच इज हायर बाय 3.22 million tons एज कंपेयर टू प्रोडक्शन ऑफ 43.77 million tons. कितने से सीरियल्स हैं, कोर्स हैं, सीरियल्स का कितना 3.22 million ton से बढ़ा, सबका प्रोडक्शन बढ़ा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. ओके, एंड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस 25.23 million tons, विच इज हायर बाय 2.10 million tons, लास्ट ईयर कितना था 23.13 million tons. द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस ड्यूरिंग 2017-18 इज हायर बाय 6.39 million tons than the 5 years average production of 18.84 million tons. अभी देखिए, as compared to all the countries, इंडिया पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, तो भी पल्सेस की रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि इम्पोर्ट करना पड़ता है. ओके, पल्सेस का प्रोडक्शन, इसीलिए पल्सेस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बहुत सारी सब्सिडी लाता है, माननीय पंतप्रधान जी भी सब्सिडी लाते हैं पल्सेस के ऊपर, और सब्सिडी देते हैं सबको, स्कीम्स लाते हैं, सब्सिडी देते हैं, एंड विच इज हायर बाय 6.39 million ton. अभी फूड ग्रेन, अभी कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पे 5 years एवरेज प्रोडक्शन 18.84 million tons, वो कितने से बढ़ा, 6.39 million tons पल्सेस का दिया है. और अभी हमने थोड़ी देर पहले किसका 5 years एवरेज प्रोडक्शन देखा, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखा, वो आपको याद है कि अभी क्या बोला था मैंने, क्या सिखाया था, अभी याद है कि आपको वो वैल्यूज आपको याद रखनी है बेटा, भूलना नहीं है. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हायर बाय 6.39 million tons, 5 years एवरेज प्रोडक्शन 18.84 million tons. ओके, और अभी का कितना है, 25.23, वो कितने से ज्यादा है, 6.39 million tons. ये आपको दो चीजें आपको पक्का ये रट्टा मारना है. ओके, अभी क्या देखिए, यहाँ पे 24.66 million tons किसका, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, और ये यहाँ पे क्या है, पल्सेस का. तो आपको भूलना नहीं है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन पूछा तो आपको आंसर देना है 24.66 million tons एज कंपेयर टू 5 years. किसके साथ कंपेयर किया है, 2017-18 के साथ, और ये आपको याद रखना है पक्का, अभी भूलेंगे नहीं ना, तो इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन की और प्रैक्टिस लूंगी. टोटल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग 2017-18 इज एस्टिमेटेड एट 31.31 million tons, विच इज मार्जिनली हायर देन द प्रोडक्शन ऑफ 31.21 million tons ड्यूरिंग 2016-17. जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए ना, वही आप याद रखना. ये मैंने ऐसे ही, जिसको मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट है और जिसको बहुत ज़्यादा याद रहता है तो वो ये याद रख सकते हैं. ओके, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस उसके ऊपर, वो तो भूलना ही नहीं है, और उसी के साथ आप लोगों को ये भी वैल्यू याद रहती है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब बहुत कम चांसेस है, आने के चांसेस नहीं है. ओके, तो भी मैंने इन एडिशनल आपको ऐड करके दिया है. शुगर केन का कितना है, अभी लास्ट ईयर 70.84 million tons था, अभी कितना हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ, 70.84 million ton इंक्रीज हुआ, अभी इतना 376.90 million tons. ओके, आपको ये याद रखना है, याद मतलब जस्ट पढ़ लेना है आपको. The production of cotton estimated at 34.89 million ton bales, million bales,
is higher by 2.31 million bales than the production of 32.58 million bales during 2016-17. Further, it is also higher by 1.39 million bales than its average production of 33.50 million bales. Okay, ये just आप एक बार overlook कर लेना, बस इसके ऊपर में ज़्यादा आपको pressure, मतलब आपके ऊपर ज़्यादा ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ इतनी वैल्यू आपको डेटा याद रखना है बस, और जो याद मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है क्या याद रखना है, ये आपको भूलना ही नहीं है. ये आपको ये सेंटेंस जो हाईलाइट किए है वो आपको भूलना ही नहीं है. मैं उसके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, वो प्लैटिनम पैकेज में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, और आप वहाँ पे वीडियो भी देख लेना बार बार जितना हो सके उतना. और ये भी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the motto of Indian Council of Agricultural Research and where it is the headquarter of ICAR? अभी motto, अभी तक हम सुनते थे कि अरे headquarter, अभी तक हम ICAR की establishment कब हुई वो हमें याद रहता था, ये दो साल पहले establishment कब हुई थी, ये दो साल पहले agriculture field officer में question आ चुका है. तो इसके ऊपर हम अभी motto, हमें अभी तक पता नहीं था motto क्या है. Right? आपको ये भी याद नहीं है या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग देखते नहीं है ना, खुद का प्रिपरेशन नहीं करते हैं ना. अरे हम लोगों ने जितना दिया उतना, जितना मतलब जितना सामने आया उतना ही पढ़ो बाबा, ऐसे नहीं करना है ना. ऐसे आप लोग जाइए आईसीआर की वेबसाइट देखिए, वहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको, आप खुद भी ट्राई कीजिए. ओके, ये मेरा पर्पज है, मैं आपको हेल्प करूँगी, मैं आपके मेरे से जितने हो सके उतने क्वेश्चंस मैं आपको डालूंगी. राइट, आप जाइए आईसीआर की वेबसाइट देखिए, वहां से दो से तीन क्वेश्चन आते हैं. ऐसे सभी ये जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है वही आपको फॉलो करनी है, और मैं वही फॉलो करके वहां से शॉर्ट पॉइंट्स निकाल के आपको आपके तक पहुंचाती हूँ. यही मेरा पर्पस है, और यही वहां पे मैं स्टडी करके आपको कैसे मतलब इजी फॉर्म में कैसे अवेलेबल होगा. सिर्फ फर्क इतना है, वहाँ पे बहुत सारा लेंदी मटेरियल दिया होता है, आपको पता नहीं होता है कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन से आंसर्स कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, तो बताइए अभी मोटो क्या है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नहीं पता ना किसी को, मुझे पता ही था नहीं पता होगा. द राइट आंसर इज, मोटो क्या है, एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच, ये मोटो है उनका. एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, एट न्यू दिल्ली. कोई कोई क्या समझता था मुंबई में है हेडक्वार्टर, नहीं, लेकिन एट न्यू दिल्ली एंड मोटो एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच. अभी द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर के अंडर आता है. द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मरली नोन एज इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 16 जुलाई 1929 एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, कौन से एक्ट के अंडर आता है, क्योंकि हर टाइम नए क्वेश्चन, कुछ भी एक्सपेक्टेशन के मतलब हम लोग जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वैसे पूछने के अलावा थोड़ा कुछ हटके भी 10 क्वेश्चन हटके क्वेश्चन आते हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करता है वही आगे जाता है, उसी का सिलेक्शन होता है. इसीलिए आप भी कुछ हटके पढ़ाई करो, आईसीआर की वेबसाइट देखो, और कोई भी जो भी लिस्ट है आईसीआर की वेबसाइट पे सभी की लिस्ट दी हुई है, सभी इंस्टीट्यूट की, वो इंस्टीट्यूट भी आप जाके देखिए, और उससे आपको बराबर सब मिलेगा. क्योंकि मैं ऐसे वहां पे ही गवर्नमेंट वेबसाइट पे से ही मटेरियल लेती हूँ, और वहाँ से ही मैं आपको सिखाती हूँ. ओके, कुछ भी हो नया, मतलब सब करंट अफेयर हो, कुछ इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो. सो हेडक्वार्टर कहाँ है, एट न्यू दिल्ली. मोटो क्या है, एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच एंड प्रेसिडेंट राधा मोहन सिंह. ओके, समझ में आ गया, से ठीक है. ICAR had initiated a program on attracting and retaining youth in agriculture, ARYA, during. कब चालू किया? आपको ये तो पता है ARYA किसने चालू किया है? ICAR ने चालू किया है. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ARYA कब चालू हुआ? ओके, ठीक है. सोचिए, मैंने ये प्लैटिनम टेस्ट सीरीज में आपके सब मतलब ये सब सिखा दिया है. यस, द राइट आंसर इज, जिसने देखा है उसको समझ में आ रहा है, द राइट आंसर इज 2015-16.
Yes, the right answer is 2015-16. Youth plays a vital role in transforming agriculture in India. Realizing the importance of rural youth in agriculture development, especially from the point of view food security, ICAR had initiated a program on attracting and retaining youth in agriculture during 2015-16. 2015-16 में ICAR ने आर्या अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर ये प्रोग्राम चालू किया. क्यों चालू किया? क्योंकि जो भी यूथ आजकल के यूथ है वो जो भी मतलब जवान लोग है वो सब सिटी के तरफ जाने की सोचते हैं और वहाँ पे कुछ तो भी काम करेंगे. खेती में क्या रखा है बाबा, ऐसे नहीं है. इसीलिए उनका जो भी उनका माइंड है उनका माइंड खेत के तरफ डाइवर्ट करके मतलब खेती में इतने मुनाफा इतना फायदा है किया तो इतना फायदा है बहुत सारा फायदा है. इसीलिए ये कुछ प्रोग्राम्स ICAR इनिशिएट करते हैं और उनका फायदा उनको मतलब उनका ICAR का आर्या और माया ये दोन मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर. मतलब जैसे भी हो अभी फार्मर्स वीट निकालते हैं, वीट निकालने के बाद उसका फ्लोर भी कर दिया जाए और फ्लोर उसका वीट फ्लोर करने के बाद उसकी पैकेजिंग करके मटेरियल बेचा गया तो उनका कितना फायदा होगा. साथ में साथ मतलब फार्मिंग भी चलेगी और प्रोसेसिंग यूनिट भी चलेगा और सब चलेगा और फिर लोग भी मतलब अपना फार्म खुद का फार्म होते हुए भी दूसरे के हाथ के नीचे काम करने की वहाँ पे जरूरत ही नहीं गिरेगी. इसीलिए ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं. डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा सेक्रेटरी डेयर एंड डायरेक्टर जनरल इनॉग्रेटेड अ टू डे कॉन्फ्रेंस एट NASC न्यू दिल्ली फ्रॉम 30 and 31 August 2018 ऑन मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर. ही अर्स टू क्रिएट अ मिशन फॉर यूथ इन एग्रीकल्चर एंड रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर यूथ इन एग्रीकल्चर विथ नेबरिंग कंट्रीज एज पार्टनर्स एंड सेड दैट वी नीड टू अट्रैक्ट यूथ इन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग देम लुक्रेटिव अल्टरनेटिव्स. ओके, ये प्रोग्राम चालू किया है वो वहाँ पे मतलब सेक्रेटरी इन्होंने डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा. ओके, सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR. ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा, मैं हाईलाइट करने का भूल गई. ओके, अभी देखिए माया, ये प्रोग्राम है माया चालू किया मतलब ICAR ने ऑर्गेनाइज टू डे कॉन्फ्रेंस ऑन मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर. ओके, अब ये प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन है. मोस्टली इतना सिर्फ एक बार आपको लिंक लगने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द वेरियस पार्टिसिपेंट्स कौन थे प्रोग्राम में. सीनियर रिसर्च डेवलपमेंट फार्मर्स थे, कोई इंस्टीट्यूट के स्कॉलर्स स्टूडेंट थे, कोई टीचर्स थे एंड किन्होंने किसने ऑर्गेनाइज किया था. TAS ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, एशिया पैसिफिक एसोसिएशन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, स्किल इंडिया, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, यंग प्रोफेशनल फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD. सॉरी, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ लिंक लगाना है आपको कौन कौन थे प्रोग्राम में, कौन थे, किसने ऑर्गेनाइज किया. मेनली ICAR. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑगस्ट 2018 कैबिनेट अप्रूव्स द रिलीज ऑफ पल्सेस प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फार्मर्स अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम टू द स्टेट्स एंड सेंट्रल सब्सिडी -- फॉर यूटिलाइजेशन अंडर वेलफेयर स्कीम्स. कितनी सब्सिडी दी है पर केजी, समझ में आया क्वेश्चन. अगस्त 2018 में कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है प्राइस सपोर्ट स्कीम, मिनिमम प्राइस सपोर्ट स्कीम. तो सेंट्रल सब्सिडी दी गई है पर केजी के पीछे, तो वो सब्सिडी कितनी है बताइए. यस, द राइट आंसर इज 15 पर केजी. आपने देखा है, आपने प्लैटिनम टेस्ट सीरीज में देखा है, इसीलिए आपको आंसर आ गया है. यस, द राइट आंसर इज 15 पर केजी. गुड, वेरी गुड. अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे से आप बेनिफिट ले रहे हो, मुझे खुशी हो रही है. आई अप्रिशिएट यू ऑल. ओके,
Under this approved scheme, the states and union territories government are offered to leave 34.88 lakh million ton of tur, chana, masoor, moong, urad at discount of kitne ka discount? 15 per kg. Rupees 15 per kg over the prevailing wholesale market price of the sourcing state on first come first saver basis. The government, this will be one time dispersion for a period of 12 months or complete disposal of 34.88 million tons of pulses stock which were is earlier. Okay, इतना ही आपको याद रखना है, discount कितना दिया 15 per kg दिया है और किसके किसके ऊपर दिया है, तूर, चना, मसूर, मूंग, उरद इसके ऊपर दिया है, ये आपको ये मेनली याद रखना है, तूर, चना, मसूर, मूंग, उरद के ऊपर डिस्काउंट 15 पर केजी दिया है, ये आपको याद रखना है, ओके? एंड गवर्नमेंट विल स्पेंड कितना खर्चा करेगा, 5,237 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, ओके? बस आपको दो ही चीजें याद रखनी है, डिस्काउंट कितना दिया 15 रुपीज पर केजी, किस पे दिया, तूर, चना, मसूर, मूंग एंड उरद, ओके? समझ में आया, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी के ऊपर कंफ्यूजन नहीं करना है. Background. Country has witnessed all-time high production of pulses during the last 2 years. Government of India under the price support scheme has made record procurement of pulses during Kharif 2017-18 marketing season. A record procurement of 45.43 lakh million tons of pulses has been done under the price support scheme. Okay. यहाँ पे ये दो चीजें आपको याद रखनी है. In coming kharif season, the production of pulses is expected to be a good. This coupled with the increase in minimum support price will require additional procurement under price support scheme. Okay? अभी price support scheme और minimum support price. ये कौन decide करता है? CACP, Commission for Agricultural Cost and Price. State government proposal देता है government के पास, central government के पास, इतना इतना इसका cost है, इतनी इतना इसको input cost लगा, और suppose किसकी भी जो भी हम लोग खेती, अभी पैड़ी का example ले लो, पैड़ी के लिए कितना भी input cost जितना लगेगा, fertilizer के लिए कितना लगेगा, ये सब पूरा कैलकुलेट करके स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजता है, ये प्रपोजल भेजता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम सीएसीपी को भेजता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसके पास भेजता है, तो फिर ये उसको एनालिसिस करके ये प्राइस रिकमेंड करते हैं, किसके पास रिकमेंड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिकमेंड करते हैं, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करता है प्राइस, डिक्लेयर करता है अनाउंस को, अनाउंस देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका था, रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, एंड अनाउंस और डिक्लेयर कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड प्रपोजल कौन भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट, ओके? यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है. और सीएसीपी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इन जनवरी 1965, ओके, यस, ये आपको ये दो से तीन याद रखना है, मैं इसे इसके ऊपर अलग से भी चैप्टर ले लूँगी, अलग से आपको भी मैं सिखा दूँगी क्या होता है सब, पूरा इन डिटेल सिखाऊँगी, ओके, और पूरा वीडियो मैं प्लैटिनम टेस्ट सीरीज में डाल दूँगी. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर 25 मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज विथ रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इन विच क्रॉप्स इंक्लूडेड आर. अभी सीएसीपी 25 मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है, एंड क्रॉप्स कितने हैं याद है क्या, 22 क्रॉप्स है, मैंने सिखाया आपको 22 क्रॉप्स है, एंड कमोडिटीज के बारे में पूछा तो 25 कमोडिटीज आती है, ओके? सीएसीपी इनमें से ये क्रॉप में से किसी का किसका एमएसपी डिक्लेयर नहीं करता, सॉरी किसका एमएसपी रिकमेंड नहीं करता है, ओके? देखिए ये शब्दों का बहुत खेल है यहाँ पे, हाँ, रिकमेंडेशंस, डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन आया तो सीएसीपी, वर्ड्स का खेल है ये सब कुछ, ओके? तो जिसको पढ़ाई तो सब कुछ करता है, सभी करते हैं, लेकिन
एग्जाम में जाने के बाद जब 45 मिनट्स का टाइम मिलता है तब स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, अरे रिकमेंड के जगह पे मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन पढ़ा और कुछ भी पढ़ा, तो वहाँ पे सी ए सी पी भी को आंसर ऑप्शन में होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑप्शन में होगा, फिर आप जल्दी जल्दी में सी ए सी पी करेंगे, ऐसे नहीं है ना। जिन्होंने वर्ड्स को समझा, जिन्होंने पूरे लैंग्वेज को समझ लिया और जिन्होंने ध्यान लगा के आंसर दे दिया वो जीत गया, वो उसका सिलेक्शन हो गया। इसीलिए क्रॉप्स, टोटल क्रॉप्स पूछे तो आपको आंसर देना है 22 और मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में पूछा तो 25 मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ओके, तो अभी इसमें से किसका, किसके रिकमेंडेशन नहीं करता है सीएसईबी, क्वेश्चन समझ में आ गया। गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 25 मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज विद रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इन विच क्रॉप इंक्लूडेड आर, सॉरी मतलब कौन से क्रॉप इंक्लूड किए हैं, सॉरी मुझे लगा कि नहीं इंक्लूड किए ये क्वेश्चन में, तो कौन से क्रॉप्स इंक्लूड किए हैं समझ में आ रहा है आपको? अरहर किया है, नाइजर सीड किया है, नहीं किया है बताइए आंसर, बोथ ए एंड बी, देखते हैं आपका आंसर सही आता है या गलत है। अरे रॉन्ग है, सभी इंक्लूड किए है, सनफ्लावर अरहर नाइजर सीड सभी इंक्लूड किए है आपको, वो 22 क्रॉप्स पूरे अच्छे से याद रखना है। कौन से देख लेते हैं हम, 22 क्रॉप्स कौन से है? पैड़ी, जवार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट इन शेल, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसामम, नाइजर सीड्स, कॉटन, व्हीट, बार्ली, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड सीड्स, सनफ्लावर, जूट एंड कोपरा। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये आपको कौन सी भी हालत में, ये 22 क्रॉप्स कौन सी भी ट्रिक बनाओ कुछ भी बनाओ, आपसे नहीं बन पाई तो मुझे बोलो, मुझे मेल पे भेजो, मैं आपको आपके लिए और आसानी से जितनी चीज़ें आसानी से हो सके उतनी मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे मेल कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इन एडिशन टू दिस एमएसपी फॉर टोरिया एंड डीएस कोकोनट इज फिक्स बाय द डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपीज ऑफ रेपसीड, मस्टर्ड सीड एंड कोपरा रिस्पेक्टिवली। ओके, समझ में आ गया ये क्या है? यहाँ पे मेनी टाइम्स मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अनस्टेबल एंड वोलेटाइल विच रिजल्ट इन टू लॉसेस टू फार्मर्स। ऑब्वियसली बात है, अनस्टेबल होती है मार्केट प्राइस, कम ज़्यादा होते रहता है, इसीलिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है और उन्हें एमएसपी डिक्लेयर करनी पड़ती है, जो भी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करनी पड़ती है, जो भी फार्मर्स को जितना भी सपोज अभी पैड़ी का एग्जांपल ले लो, पैड़ी के लिए जितना भी इनपुट कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट लगता है और उसके और थोड़ा अलग इन एडिशन बेनिफिट मिला के जितनी भी कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट इट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके नीचे वो बेचा नहीं जाएगा। ओके, समझ में आ गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, ड्यू टू दिस देयर इज अ गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज सिक्स टू इंश्योर बैलेंस रिम्यूनरेटिव प्राइसेस एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर टू द ग्रोवर्स फॉर देयर प्रोड्यूस एंड टू इनकरेज हायर इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्शन एंड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बाय मेकिंग अवेलेबल सप्लाईज एट रीजनेबल प्राइसेस एंड लो कॉस्ट इंटरमीडिएशन। ओके, ये आपको याद रखना है 22 क्रॉप्स। दिन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी देखिए सी ए सी पी रिकमेंडेशन देते हैं एमएसपी का प्रोडक्ट के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, तो फिर वहाँ पे कुछ फैक्टर कंसीडर किए गए हैं, किसके बेसिस के ऊपर वो रिकमेंडेशन देते हैं, किसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि बाबा अरे हम अभी इसकी प्राइस 15 रुपीज़ हम सेट करते हैं या फिर 30 रुपीज़ हम सेट करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी 30 रुपीज़, किसके ऊपर सेट करते हैं? तो फिर फैक्टर्स क्या है? सप्लाई ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूसर्स फॉर अडॉप्टिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड फॉर डेवलपिंग अ प्रोडक्शन पैटर्न ब्रॉडली बेसिस ऑफ नेचुरल रिक्वायरमेंट्स, नीड टू इंश्योर रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड अदर प्रोडक्शन रिसोर्सेज, प्राइस पॉलिसी ऑन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी पर्टिकुलरली ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड स्ट्रक्चर। किसके ऊपर डिसाइड करते हैं अभी लैंड वाटर ये कितना है, कितने परसेंट है, लैंड कैसी है, फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है, वाटर कितना अवेलेबल है, मतलब वाटर की पीएच कितनी है, क्या है उसके ऊपर, कितने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सकता है यहाँ पे और कितना खर्चा लग सकता है और कितना कम खर्चा लग सकता है, ये सब सप्लाई ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कितनी है एंड रेस्ट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर पूरा एनालिसिस करने के बाद सी ए सी पी क्रॉप की रिकमेंड प्राइस रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
समझ में आ गया? ओके, गॉट इट, गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स टू कवर यील्ड लॉसेस ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क. विच रिस्क इज नॉट प्रिवेंटेड अंडर दिस स्कीम? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी मतलब जो भी नुकसान होता है, अभी हम बोलते हैं कि यार ये जो भी नुकसान होता है, अभी हमें इंश्योरेंस मिलता है, जो भी नुकसान होता है अभी हमें इंश्योरेंस मिलता है, सब कुछ मिलता है प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के अंडर. लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरिया है, उसके भी कुछ नुकसान होने के कुछ उनके भी कुछ लिमिटेशंस है कि इतने इतना इससे नुकसान हुआ तो हम इंश्योरेंस देंगे आपको, आपके क्रॉप के लिए इंश्योरेंस देंगे. तो वो इंश्योरेंस सबके ऊपर नहीं है. मतलब अभी देखते स्टॉर्म के वजह से नुकसान हुआ तो वो इंक्लूड किया है क्या नहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर, टाइफून, हरिकेन, फ्लड और नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से क्या है, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर? क्या आपको क्या लगता है आंसर? हरिकेन सी लग रहा है आपको आंसर? देख लेते हैं आपका आंसर बराबर है या नहीं. ओ रॉन्ग आपका आंसर. देखते हैं सही आंसर क्या है. देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स टू कवर यील्ड लॉसेस ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क दैट आर नेचुरल फायर, लाइटनिंग स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टोरेंडो, फ्लड, इनुंडेशन एंड लैंडस्लाइड, ड्रॉट, ड्राई स्पेल्स, पेस्ट, डिसीजेस एक्सेट्रा. ये सब इंक्लूड किए हैं, फिर क्या इंक्लूड नहीं किया है भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर? इंश्योरेंस कवर फॉर डैमेज ऑफ क्रॉप्स बाय एनिमल्स. एनिमल्स की वजह से जो भी नुकसान होता है वो इंक्लूड नहीं किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर. ये आपको याद रखना है. ये किसी, अरे आप सब समझते हैं कि अरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सब इंक्लूड किया है, सब इंक्लूड किया है, लेकिन कोई कोई चीजें है ऐसी जो इंक्लूड नहीं किया है. वही तो वहां पे ही तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, वहां पे ही स्टूडेंट भूल जाते हैं, स्टूडेंट वहां पे ही फेल हो जाते हैं. समझ में आ गया? द लॉसेस टू क्रॉप्स ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट कवर्ड. फर्दर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इश्यू ऑफ मोरल हजार एट द टाइम ऑफ असेसिंग द लॉस रिस्क आर ऑल्सो नॉट कवर्ड. ओके, अभी हम फिर से एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. देखिए तो उनका स्कीम का नाम क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिट्स, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट इन द कंट्री. ये तो ये एनिमल्स का जो भी डैमेज, एनिमल्स की वजह से जो भी डैमेज होता है ये स्कीम के अंडर इंक्लूड किया है. समझ में आ गया? ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओ टाइम खत्म. अभी इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे अपने को. और अपने आपको यदि और मोशंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तो आप प्लीज प्लैटिनम टेस्ट पैकेज लीजिए. मैंने कम से कम प्राइस रखी है 501 500, जस्ट 500 रुपीज यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो मुझे एक बार एक मेल भी आया कि मैम आप जो वीडियो लेते हैं वो फिर से है ना, एक बार आप शॉर्ट में लास्ट में फिर से एक बार आप हमें रिवाइज करके दीजिए. तो फिर ठीक है, मैं पहले से फिर से पूरा अच्छे से पूरा लेती हूँ. मतलब सिर्फ जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट, ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया. तो फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2017-18 284.83 मिलियन टन्स राइस का आपको याद रखना है. बस यहाँ पे इतना ही ये मेन है. ओके, तो क्वेश्चन और कितने से ज्यादा है, 24 मिलियन टन्स, लेकिन किससे, पांच ईयर के कंपैरिजन में 2017-18 का 284.83 मिलियन टन्स कितने से ज्यादा है, 24.66 मिलियन टन्स. और पांच ईयर का, फाइव ईयर का जो भी एवरेज है वो कितना है, फाइव ईयर का एवरेज, उसकी वैल्यू तो नहीं पता लेकिन वो कितना, 24.66 मिलियन टन्स. ओके,
आपको ये दो से चीज, अभी पल्सेस का भी आपको याद रखना है, एनी हाउ पल्सेस का भी आपको याद रखना है। 5 US का एवरेज प्रोडक्शन 18.84 मिलियन टन, वो 6.39 मिलियन टन ज्यादा है 2017-18 का 6.39 मिलियन टन ज्यादा है एज कम्पेयर टू 5 ईयर एवरेज प्रोडक्शन। ओके, सिर्फ आपको हाईलाइट किए वाले पॉइंट आपको याद रखना है, बस समझ में आ गया। अभी इसके ऊपर ये भी, ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुई, हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, मोटो एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच, राधा मोहन सिंह इज द प्रेसिडेंट, एंड कौन से एक्ट है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ओके, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट कितना दिया है पल्सेस के ऊपर, तूर चना मसूर मूंग उरत 15 रुपीज डिस्काउंट दिया है, राइट। और ये CACP का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपके आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और बिल्कुल आप ये नहीं करना है। और 22 क्रॉप्स है एंड 25 मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है, ये क्रॉप्स आपको याद रखना है। ओके, एंड फसल बीमा योजना के अंडर सिर्फ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, मतलब जो भी एनिमल की वजह से जो भी डैमेज होता है वो इंक्लूड नहीं किया है। ओके, समझ में आ गया। तो फिर प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ प्लैटिनम टेस्ट सीरीज ऑफ IBPS फॉर IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर टू बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर प्लैटिनम पैकेज। एंड मोस्टली मैं, मतलब अभी तो 35 टेस्ट दिए है मैं, अभी तक मैं बोल रही हूँ कि 35 टेस्ट, और लेकिन मैं मोस्टली जितने हो सके उतने में टेस्ट आपके डालते जाऊंगी मेंस एग्जाम तक। ओके, एंड PDF करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लैटिनम टेस्ट सिल्वर प्लस गोल्ड मिला के प्लैटिनम टेस्ट सीरीज है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ प्लैटिनम ही ज़्यादा से मोस्टली आप प्लैटिनम ही ले लीजिए, फिर समझ में आता है और मोस्टली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डोंट वरी। और यदि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन contactagroworld@gmail.com। एंड आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ ये लिंक से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और एंड प्लीज फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन प्लीज गो ऑन दिस वेबसाइट www.agroworld.xyz/exam, एंड दिस इज द मेन वेबसाइट, एंड सब्सक्राइब फॉर AgroWorld चैनल। And thank you. Bye bye. Have a nice day. Best of luck.